sure to hit that like button and subscribe to my YouTube channel so that you'll never miss an update. Also follow me on Instagram. My Instagram handle is @theratecookcrispies123. Dear, I share the live updates of what I do and what I eat. मोर फूड और यहाँ पे मैंने अपने लिए मंगवा ली है लाटे। आई लव कॉफ़ी। यहाँ पे टी का ऑप्शन भी होता है, आप कैपेचिनो एस्प्रेसो कॉफ़ी भी मंगवा सकते हो। कितनी ज़्यादा अच्छी दिख रही है ये। इसमें मैंने शुगर ऐड कर ली है। इसमें पेयर करने वाली हूँ स्माइल के साथ, आई लव पोटैटो स्माइल्स। और यहाँ पे आलू का पराठा है जो कि ज़्यादा हैपनिंग नहीं लग रहा है, मगर मैं ले आई बिकॉज वेराइटी। तो मैं सबसे पहले कॉफ़ी ट्राई करूँगी, आई लव कॉफ़ी, और यहाँ की अच्छी होती है। यहाँ पे मैंने लाइफ काउंटर से भटूरे मंगवाए थे, वो भी आ गए हैं, और छोले भी ले आए भैया। मैंने सोची पहले छोले भटूरे खा लेती हूँ बिकॉज गरम गरम है, तो कॉफ़ी को थोड़ा साइड करती हूँ। होगा तो मैं सोच रही ना स्माइली को यहाँ थोड़ा साइड करती हूँ, पराठे को भी थोड़ा सा साइड करती हूँ, और अब यहाँ पर भटूरा आ जाएगा। तो मेरी प्लेट सेट हो गई है। यहाँ पे छोले भी आए हुए हैं, छोले भी सोचे प्लेट के अंदर ही रख लेते हैं जिससे गिरे नहीं। तो मेरी प्लेट काफ़ी अच्छी से दिख रही है। नाउ गोना ट्राई विद सम छोले। छोले काफ़ी ज़्यादा थिक लग रहे हैं, काबुली चना से बनाते हैं ये। भटूरा एकदम गरम गरम बनकर आया है। यहाँ के छोले भटूरे काफ़ी अच्छे होते हैं। कभी कभी यहाँ पे पूरी सब्जी होती है ना, तो मैं थोड़ी सैड हो जाती हूँ बिकॉज वो मेरे को इतनी पसंद नहीं आती। यहाँ की भटूरा इज़ रियली लाइट एंड फ्लफी अंदर से, बाहर से क्रिस्पी है। बहुत ज़्यादा मोटे मोटे भटूरे नहीं हैं, और छोले भी काफ़ी फ्लेवरफुल हैं, हल्के खट्टे लग रहे हैं। आई गेस इसमें इन्होंने अनारदाना डाला है। टमाटर से भी हल्की खटास आ रही है। यमी। टमेटोज़ ने इसमें पीस के डालते हैं बिकॉज उनका फ्लेवर आ रहा है, मगर मुंह में नहीं आ रहे हैं। जिंजर का स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है इसमें, बहुत ज़्यादा धनिया डाला है इन्होंने, उससे अच्छी फ्रेशनेस आ रही है। एंड छोले इज़ परफेक्टली कुक्ड, कच्चे कच्चे नहीं है और ना ओवरली मशी भी नहीं है, परफेक्टली कुक्ड एकदम। यमी। सोचो आलू पराठा भी ट्राई कर लेती हूँ। वैसे तो आलू पराठा का भी कॉम्बिनेशन होता है छोले से। देखने में पराठा बहुत पतला है, मगर स्टफिंग काफ़ी है इसमें, ऐसा मुझे लगा तोड़ के। इसे मसाले वाली आलू की फिलिंग है इसमें, इसे भी मैं छोले से पेयर कर रही हूँ। आप पराठे को अचार से, दही से भी पेयर कर सकते हो। पराठा भी अच्छा है, बाहर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट, और स्पाइसी पोटैटो फिलिंग है इसमें, अजवाइन का फ्लेवर आ रहा है। मैं कंपेयर करें तो भटूरा ही अच्छा लग रहा है पराठे के आगे। एंड आई वांट टू ट्राई द पोटैटो स्माइली, क्रिस्पी लग रहा है एकदम। ये तो फ्रोजन स्नैक है, आप में से काफ़ी लोगों ने खाया होगा। यमी। सो यार गाइस, आई वांट टू फिनिश ऑल दिस फूड।
एंड गो बैक टू माई रूम. दिस इज ऑल फॉर टूडेज वीडियो. प्लीज मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन इफ यू हैवंट ऑलरेडी. अ लॉट ऑफ यू गाइज वॉच माई वीडियोज बट डू नॉट सब्सक्राइब. प्लीज गाइज सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल. दैट विल नॉट ओनली सपोर्ट मी बट ऑल्सो मोटिवेट मी गेटिंग मोर सच वीडियोज.